वेलकम टू मेडिको लाइव ज्ञान दोस्तों, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने एक वीडियो डाला था ऑप्शन फॉर्म कैसे भरें, जिसमें हमने तीन पॉइंटों पे बातचीत करी थी कि कॉलेज ऑप्शन फॉर्म कैसे भरें और डीडी कैसे कटवाएं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो आपके कमेंट आए थे उनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम मेडिकल से रिलेटेड सारी न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहें। लेट्स गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये एनके क्रिएशन स्टेटस का है। ये सर बोल रहे हैं कि सर, यूज़र नेम कौन से एडमिट कार्ड पर हैं, क्या उस यूज़र नंबर? तो देखिए सर, यूज़र नंबर आपके अगर नहीं मिल रहे हैं तो यूज़र नंबर और यूज़र आईडी एक ही बात है, वो आपने जो फॉर्म भरा था RUHS का, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सेकंड कमेंट आता है ये आशुतोष जी का, ये पूछ रहे हैं बीएससी नर्सिंग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ऐड होने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ओके, एन क्रिएशन स्टेटस बोलते हैं सर, ओबीसी बैंक कहाँ है और इसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, आपको इसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, आपको एक चालान की कॉपी प्रिंट करवानी है अपने लॉगिन अकाउंट से। उसके बाद में उसमें तीन कॉपी आएगी, जैसे कि हमने ये वीडियो में बताया हुआ था, उसमें से स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रखनी है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉपी कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में आपको वहाँ जमा करवानी है सर। थर्ड आ रहा है इसके अंदर कि अच्छा, मुकेश यादव, ये भी एक यूट्यूबर हैं, थैंक यू सर। कुलदीप अर्मिया ने कमेंट किया है कि सर, काउंसलिंग में कितने कॉलेज सेलेक्ट करने आवश्यक हैं? सर, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यदि आप फुल एंड फाइनल कॉन्फिडेंट हैं कि आपको जो कॉलेज भर रहे हो वो मिल जाएगा, तो आप एक भी कॉलेज भर सकते हैं, और यदि लिस्ट के अंदर 200 कॉलेज आ रहे हैं तो आप 200 कॉलेज भी भर सकते हैं, ये आपकी इच्छा और विवेक पे निर्भर करता है। सर, फॉरगेट पासवर्ड का लिंक नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, पासवर्ड जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो एक बार उसे ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट आ रहा है PRBT बॉक्स का, सर मैं 1 साल घर पर वेला बैठा था। अच्छा, ये काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर, गैप सर्टिफिकेट क्या है? तो गैप सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं सभी को, कि जो 12th के बाद में आपने ये जो RUHS का एंट्रेंस दिया, इसके बीच में जो टाइम पीरियड था उसमें आपने क्या किया, ये सब आता है गैप सर्टिफिकेट के अंदर। तो जिन लोगों ने कहीं भी कोचिंग नहीं की है, या फिर जिन्होंने कोचिंग की है पर वो कोचिंग में अब नहीं जा सकते, तो उनको क्या करना है कि एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लिखवाना है, जिसमें ये लिखना है कि हमने 12वीं के बाद में घर पे बैठ के तैयारी करी थी प्रवेश परीक्षा की, और हमें ये कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया है, और हम इस कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज सेट करवा के आप दे सकते हैं कॉलेज अलॉट होने वाले कॉलेज में, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप दे सकते हैं। अगला आ रहा है बॉस मेडि अच्छा, ये कौन है, विकास बुडानिया जी ने कमेंट किया है, बॉस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? देखिए, ये आप अपने आसपास के जो CHC हैं, सब सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे जो CHO बैठता है, वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर बैठता है, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठता है, वो आपको मेडिकल फिटनेस बना के दे सकता है। वैसे दूसरा ऑप्शन इसका ये रहता है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है विकास जी, तो आपको वहाँ का खुद का एक उस हॉस्पिटल का बनवाना ही पड़ेगा कॉलेज अलॉट होने के बाद में। ये प्रिया खंडेलवाल जी पूछ रहे हैं कि SBI बैंक की DD नहीं चलेगी क्या? जी नहीं प्रिया जी, SBI बैंक की DD जो है नहीं चलेगी। हमारे पास OBC बैंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास OBC बैंक का खाता हो या नहीं हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आपको क्या है, जैसे अपन किसी और के खाते में पैसे डलवा रहे हैं, वही बात है, RUHS का खाता है OBC बैंक के अंदर, तो हम उनके खाते में पैसे डलवा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा खाता OBC बैंक में हो या नहीं हो। मंजू बिश्नोई ने कमेंट किया है कि सर, मैं OBC फीमेल कैटेगरी से हूँ, मेरे 43 नंबर हैं, मुझे जोधपुर में गवर्नमेंट को, देखिए उम्मीद है बिल्कुल, आप जोधपुर को ऊपर 1 नंबर पर भरिए। माया रॉयल ने कमेंट किया है सर, 40 हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल आपको मिल जाएगी। दिलीप गर्ग ने कमेंट किया है, कॉलेज फीस 20,000 से ज़्यादा है गवर्नमेंट कॉलेज की। देखिए, ये अगर लड़कियों की अगर बात करूँ, तो सभी लड़कियों की गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस लगेगी 20,000 रुपये, और यदि लड़का BPL या फिर ST SC कैटेगरी है तो सिर्फ उसकी 20,000 लगेगी, नहीं तो जनरल और OBC APL सभी की 50,000 रुपये फीस लगती है।
पासवर्ड आपकी आईडी का जो आईडी का जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आप वो ट्राई करें। सर कॉलेज चूज़ कैसे करें प्लीज़ बताएं। देखिए एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसका जो लिंक है वो हमारे पुराने वीडियोज़ में ढूंढिए प्लीज़, और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 43 OBC मेल को कौन सी कॉलेज मिलेगा? सर ये आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है किस तरह से आप कॉलेज भरते हो। सर SMS में फ़ीस नहीं है शायद, तो 10,000 वापिस। देखिए SMS में आपके 20,000 रुपये लगते हैं, और वो यूँ है कि सारा चार्ज आ जाता है उसमें, लाइब्रेरी का, हॉस्टल का, सब आ जाता है, तो ये 10,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। नवीन कीनिया कमेंटेड कैटेगरी कॉलेज फिल करूँ, जो आपको चाहिए वो कॉलेज आप ऊपर रखिए, आपको कॉलेज मिल सकती है। तो इस तरह से ये हमारे कमेंट थे जो हमने कोशिश की है कि कमेंट के रिप्लाई में दे सकूं। हाँ ये एक अच्छा कमेंट आया था दीपक जी का, सर सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज चेंज कर सकता हूँ क्या, और थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी क्या, प्लीज़ टेल मी सर। देखिए थर्ड काउंसलिंग तो इस पर निर्भर करती है कि कॉलेजों में सीट खाली है या नहीं, और आप बिल्कुल सेकंड काउंसलिंग करवा के अपना कॉलेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सब कमेंट हमने देखे। फिर आ रहा है एक, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलो तो आज हमने इसमें कमेंट सेक्शन में हमने सारे कमेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेडिको लाइव ज्ञान पे आइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे उपस्थित बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।